गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आप में से अभी तक अभी सभी मैचों की प्रोडिक्शन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं जो कि आप सभी को टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। गाइस आप सभी को टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से यहाँ पे दो बड़ी रिपोर्ट्स हमें सामने निकल कर आ रही। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन फैंटेसी ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है माई टीम 11। और अभी IPL चल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी टीम बनाकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। साथ ही में अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स वेरीफाई करने पर आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। और इस ऐप में अगर आप 30 रुपए ऐड करते हैं तो आपको आपके पेटीएम में 500 रुपए का कैश मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ऐप को डाउनलोड करने के काफी ज्यादा बेनिफिट है, जहां आप घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए माई टीम 11। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। तो गाइस सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एडम जैम्पा की तरफ से। तो गाइस एडम जैम्पा की तरफ से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। एडम जैम्पा जो पिछला मुकाबला उन्होंने मिस किया था, उसका रीजन ये था कि गाइस उनको यहाँ पे छोटी सी इंजरी हुई थी। और गाइस अभी तो रिपोर्ट भी ये निकल कर आ रही की एडम जैम्पा को जो इंजरी है वो गाइस अभी कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं है, और वो गाइस इसी वजह से गाइस वो IPL 2020 से भी बाहर हो सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं इसके ऊपर कोई फाइनल रिपोर्ट तो अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से निकल कर नहीं आई है, बट गाइस यहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि एडम जैम्पा यहाँ पे IPL 2020 से बाहर हो सकते हैं और वो वापस अपनी कंट्री यहाँ पे लौट सकते हैं। बट देखते हैं गाइस आगे क्या रिपोर्ट आती है एडम जैम्पा की तरफ से। तो गाइस आपका इस बार में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और अगर एडम जैम्पा IPL से बाहर होते तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि स्पिनर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे और एडम जैम्पा भी विकेट चटकाए थे उन्होंने, हालांकि रन तो दिए थे लेकिन वो विकेट चटका रहे थे। तो काफी झटका लगने वाला है, काफी बड़ा झटका लगेगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। तो दूसरी न्यूज निकल कर आ रही है क्रिस मॉरिस की तरफ से। तो गाइस क्रिस मॉरिस को लेकर नई अपडेट यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है, और ये 100% गाइस यहाँ पे श्योर हो चुका है कि क्रिस मॉरिस यहाँ पे 100% यहाँ पे फिट हो चुका है। और RCB की तरफ से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि RCB ने यहाँ पे बता दिया कि वो पिछले मैच में भी अवेलेबल थे, लेकिन गाइस उनकी जो फिटनेस थी वो गाइस यहाँ पे 95% यहाँ पे फिटनेस उनके पूरा फिट था। लेकिन गाइस यहाँ पे अभी जो रिपोर्ट्स हैं आपको यहाँ पे CSK के खिलाफ जो RCB मैच खेलने वाली है उसमें आप सभी को क्रिस मॉरिस 100% यहाँ पे फिट नजर आने वाले हैं, और आप सभी को क्रिस मॉरिस नेक्स्ट मुकाबले में आप सभी को नजर आ सकते हैं। तो गाइस अब इनको प्लेइंग 11 पे मौका मिलेगा या नहीं, तो गाइस ये टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, विराट कोहली डिसाइड करेंगे। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज के बारे में। तो गाइस तीसरी न्यूज निकल कर आ रही है AB de Villiers की तरफ से। तो गाइस AB de Villiers ने आज के नेट प्रैक्टिस में उन्होंने काफी अच्छा पे समय बिताया और काफी अच्छे फॉर्म में गाइस आज के प्रैक्टिस मैच में AB de Villiers नजर आए। सबसे पहले तो गाइस उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट कीपिंग किया, एंड विकेट कीपिंग करने के बाद उसके बाद उन्होंने जो कि अपने बल्लेबाजी प्रैक्टिस किया, जहाँ पे गाइस बल्लेबाजी में यहाँ पे AB de Villiers काफी अच्छे लय से गुजर रहे थे, और वो पूरे IPL में अभी काफी अच्छे लय से गुजर भी रहे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि 2-3 मैच में वो आउट हो गए गलत तरीके से, लेकिन गाइस अभी AB de Villiers काफी अच्छे लय से अभी गुजर रहे हैं। और गाइस आज कल के नेट प्रैक्टिस में गाइस उन्होंने काफी कमाल की बैटिंग की, और गाइस वो बड़े बड़े हिट लगाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, और गाइस वो छक्के पे ज्यादातर यहाँ पे कोशिश कर रहे थे ताकि वो छक्के लगा सके और गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को एक अच्छा स्कोर तक वो पहुंचा सके और वो कम गेंदे खेल के ज्यादा स्कोर बना सके। तो गाइस AB de Villiers यहाँ पे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए कल के नेट प्रैक्टिस में यहाँ पे नजर आए हैं। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से तीन बड़ी न्यूज यहाँ पे सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस आपको तीन बड़ी न्यूज कैसी लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। और गाइस आपका क्या ओपिनियन है, क्या क्रिस मॉरिस को नेक्स्ट मुकाबले में मौका मिलेगा, प्लेइंग 11 पे मौका मिलेगा या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।